नेचुरली अगर पका के खाएंगे तो इसका स्वाद ही अलग, आप सब भूल जाएंगे। इनको मार्केट में जब ले जाएंगे तो 250-300-400 तक, मैं इसको पिछली बार नेचुरल पका था तोड़ के खाया हूँ, आप खा जाएंगे सब आम भूल जाएंगे। टॉमी एटकिन ये प्रजाति देख रहे होंगे, अभी इसमें फलत आई हुई है और देख रहे हैं इसमें, देखिए अभी से ही बैंगनी कलर ले लिया है, बैंगनी कलर। ये जब जैसे ही मैच्योर होना स्टार्ट कर देगी, उसी में मैच्योर होना स्टार्ट कर दे, पूरा कलर पूरा, ये अभी हरा देख रहे हैं, पूरा एक तरीके से बैंगनी हो जाएगा और इसका साइज़ और बढ़ेगा। जैसे जैसे आप जून लास्ट तक इसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, लगभग ये 250 ग्राम से लेके 300-400 ग्राम तक जाती है। ये इस कंडीशन में ये आम सर्वाइव देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये अब जैसे देखिए ये सर्वाइव कर रही है। ये अंबिका है, इस प्रजाति की खासियत है कि अभी मैच्योर अवस्था में नहीं है, जुलाई से पकना स्टार्ट होता जाता है, लगभग 15 जुलाई से, और ये जुलाई अगस्त सितंबर तक ये लास्ट में जितनी भी रंगीन प्रजातियां हैं ये पिछेती पकती हैं, जितनी चाहे टॉमी एटकिन की बात करें, चाहे आप इसकी गुलाब खास की बात करें, चाहे पूषा प्रतिभा, पूषा लालिमा, जुलाई लास्ट में पकना प्रारंभ होती है और ये आपकी सितंबर अक्टूबर तक रहता है फल पका। इसमें अभी देख रहे होंगे कलर पूरा नहीं लिए है, अभी कच्चा ही है, आधा कलर लिए हुए, लेकिन इसमें क्या है जैसे ही पकना, और इसकी अभी ग्रोथ लगभग 200-250 ग्राम तक फल होता है साइज़, और ये जब पकने की स्थिति में आता है तो पूरा कलर्ड बैंगनी नुमा कलर्ड ले लेता है, और इसका TISS जो होता है वो 30-40% तक होता है। सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे आम आदमी लगाता है 5x5 मीटर में, और इसको हम बौनी प्रजाति है, इसको 5x5 में भी लगा सकते हैं, 6x6 में भी लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इसकी देख रेख करके अपने थोड़ा गमले में भी, आप बड़ा सा गमला बना के इसको अपने छत पे या कहीं अगल बगल, घर के अगल बगल भी लगा सकते हैं और अपना फल इससे ले सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ है, तमाम प्रजातियां आती हैं रंगीन में, उनका स्वाद और इसका स्वाद अलग रहता है खाने में। और दूसरी चीज़ है, अगर इसको नेचुरली पकाया जाए तो इसका और सो गुड। ये पूषा प्रतिभा प्रजाति है और ये भी रंगीन प्रजाति में आती है, अभी यहाँ तक कि इसका गुठली भी नहीं आया है और ये कलर ले लिया है। जैसे जैसे इसकी मैच्योर होना शुरू होती है वो अपने कलर में आ जाती है पूर्णतया, और ये भी आपकी लगभग जुलाई 15 जुलाई के बाद ही पकना स्टार्ट होती है। फलत आप देख रहे होंगे कितनी लदी हुई है। इन फलों की खासियत है कि किसान भाई लगाता है तो 5-6 साल वेट करना पड़ता है, लेकिन ये 3 साल में ही, 2-3 साल में ही फलत देने लगती है। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए हो सके तो 5 साल बाद लें, जिससे हमारा पौधा हमारा मजबूत हो जाए, डेवलप हो जाए, जिससे फलत बहुत अच्छी आती है। और समय समय पे देख रेख करनी होती है, खाद आप डालिए समय पे, यूरिया, सुपर, पोटाश। और ये दूसरी चीज़ है, जैसे ये मौसम चल रहा है यहीं से आम में समस्या आ जाती है फ्रूट फ्लाई और एंथ्रेक्नोज की। एंथ्रेक्नोज बीमारी क्या होती है कि देखा होगा कि उसमें नीचे से टिप्स सड़ने लगती, काली पड़ने लगती, वो एंथ्रेक्नोज बीमारी होती किसान भाई। और दूसरी चीज़ है, हमारे आम में भी फ्रूट क्रैकिंग, फल फटने लगते हैं। फल फटने का कारण यही होता है कि हमारी भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे बोरान की कमी से हमारे फल फटने लगते हैं। इसके लिए चाहिए किसान भाइयों को कि जब भी खाद दें तो उसमें बोरान की मात्रा जो है पौधे में जरूर बोरान दें अलग से, जिससे क्या होगा कि हमारी भूमि में संतुति एक होती है, उस संतुति के अनुसार संतुलित उर्वरक, जैसे खेती में धान गेहूं गन्ना में आप देते हैं, इसी प्रकार हमारे फल में, जैसे 10 साल का पौधा है तो हमें लगभग 250 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सुपर और 100-150 ग्राम आप पोटाश देंगे प्रति गड्ढा गुड़ाई करके। क्रॉप कैनोपी होती है, ये आप जैसे देख रहे हैं जितना भी छाया पड़ती है पौधे की गुड़ाई करके, और थोड़ा तने से लगभग 6 सेंटीमीटर छोड़ के गुड़ाई कर लेते हैं और फिर उसमें दे देते हैं। किसान भाई क्या करता है, कमी कर देता है कि फल में सिंचाई नहीं करता है,
जब भी फल लगना शुरू हो, जैसे ही बौर आना शुरू हो, बौर के पूर्णतया आ जाएँ, उसको फल में कन्वर्टेड हो जाएँ, जैसे मटर नुमा दाने हो जाएँ, तो एक तो मटर नुमा दाने हो जाएँ तो उस समय सल्फर का, इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड का और एक फफूंदी नाशक का, इनका सबका मिश्रण बना के एक छिड़काव आवश्यक होता है। दूसरा काम ये करना होता है कि उसी समय से हमें अपने फलों की, जहाँ हमारे फल लगे हैं, आम के पौधे लगे हैं, वहाँ सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान सिंचाई नहीं करते, उन्हें लगता फल गिर जाएंगे। हाँ, नहीं, कोई, अरे यही तो गलत फहमी है। सिंचाई कब नहीं करनी चाहिए, जैसे फ्लावरिंग स्टेज है उस समय हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फल जैसे ही बनना शुरू हो जाए तो हमें पर्याप्त नमी रखनी चाहिए। पर्याप्त नमी जब रखेंगे फल झड़ने की समय, मिट्टी को मुट्ठी में लियो बन जाए तो मानेंगे पर्याप्त नमी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये एक देसी पैमाना है कि आप ले लीजिए, बन जाए तो ये मान लीजिए, बिल्कुल 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 नमी, पर्याप्त नमी है, तो हमें नमी को ख़त्म नहीं होने देना, कब तक रखनी है, और जब तक आपका फल दे रहा है, जब तक नेचुरल आपके बाग में जब तक फल फलत है तब तक हमें वो नमी बरकरार रखनी है, पकने तक, टूटने तक, पकने, हाँ, क्रॉप हार्वेस्टिंग तक। जैसे फ्रूट ड्रॉप की समस्या होती है, अगर पूरा कहीं फल रुक जाए तो पौधे झेल नहीं पाए, कम से कम 5-10% तक ही फल हमारा रहता है, उससे अधिक अगर फ्रूट ड्रॉप हो रहा, फल गिर रहा है, तो तमाम परेशानियाँ होती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं, जैसे मिट्टी में कमी हो, पोषक तत्व, वहाँ की मिट्टी आपकी उतनी ताकतवर ना हो, उसकी वजह से। दूसरा, अगर ज़्यादा ही अगर दिक्कत हो रही है तो किसान भाइयों को चाहिए कि तमाम मार्केट में हार्मोन्स आ रहे हैं, हार्मोन्स में जैसे प्लानोफिक्स हुआ, मल्टीप्लेक्स हुआ, मल्टी कम्प्लेक्स हुआ, मार्केट से लेके 1 ml दवा प्रति 4 L पानी के दर से घोल बना के छिड़काव करेंगे 15-15 दिन के अंतराल पे, 2-3 छिड़काव अगर करता है किसान भाई, तो निश्चित तौर पे आपके फ्रूट ड्रॉप भी कमी होगी और फल की ग्रोथ भी बढ़ेगी। कहते हैं ना किसान भाई, कहते हैं कोई मार्केट में जाते हैं कि ऐसा कोई दवा दे दीजिए या टॉनिक दे दीजिए जिससे हमारे फल का साइज बढ़ाओ, साइज बढ़ाओ, और वो पहले आता था PGR करके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो अब मार्केट में PGR करके नहीं, अलग अलग कंपनियां बनाने लगी, तो हार्मोन्स होता है प्लानोफिक्स मल्टीप्लेक्स, उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फलत अच्छे, आपको लगे कि फ्रूट ड्रॉप शुरू हो रहा है, जैसे मटर नुमा से थोड़ा कंचे नुमा साइज आए, उस समय झड़ना शुरू हो जाता है उसी समय से, तो अगर लगे कि आपको ज़्यादा झड़ रहा है तो उसी समय पहला छिड़काव कर दीजिएगा प्लानोफिक्स का 1 ml दवा प्रति 4 L पानी के हिसाब से आप घोल बना के छिड़काव करना है। पूरा पौधा तर हो जाना चाहिए, तर, ड्रेंचिंग टाइप का, हाँ, चूने लगे, पानी चूने लगे, चूने लगे, ड्रेंचिंग बोलती है, हाँ, जब आपको टपकने लगे, हाँ, पूरा एकदम उसका ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा पूसा से, ये पूसा श्रेष्ठ प्रजाति है, ये मान के चलिए, अभी इसका अभी साइज आधा नहीं हुआ है, ये साइज और जाएगा और लगभग 250 ग्राम से लेके 500-400 ग्राम तक जाता है इसका फल वेट। और इसमें भी खासियत है, ये देख रहे होंगे जो दशहरी 51 आता है उस नुमा दिख रहा है, इसमें भी कलर देखिए आने लगा है, अभी अभी आया नहीं है पूरा, लेकिन देख रहे होंगे हल्का कलर लेने लगी है, कत्थई नुमा कलर हो जाएगा, एकदम कत्थई रेडिश लिए हुए है उसका छिलका भी, और ये नेचुरली अगर पका के खाएंगे तो इसका स्वाद ही अलग, आप सब भूल जाएंगे। विटामिन ए आम जान ही रहे हैं भरपूर मात्रा में होता है, इनका हमारे यहाँ पौधा भी तैयार है, जुलाई के लास्ट में हमारे यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी किसान भाई अगर लेना चाहें तो हमारे केंद्र पर आके ले सकते हैं। ये पूसा लालिमा है, अभी इसका मैच्योरिटी स्टेज नहीं आया है, अभी कच्चा ही है, आज है 10 मई है, और ये जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जुलाई में, जून के लास्ट में ही ये पूरा कलर, पूरा पौधा भी ये एक कलर ले लेगा, और ये जुलाई में, जुलाई लास्ट में पकना स्टार्ट होगा, और ये जितनी भी कलर्ड प्रजातियाँ, चाहे पूसा लालिमा की बात करें, चाहे पूसा श्रेष्ठ की, ये आपकी प्रजातियाँ हैं, ये लेट में पकती हैं,
पिछेती प्रजातियां रंगीन जितनी भी कलर पड़ जाती है अच्छा मिलेगा जितना बिल्कुल बिल्कुल दशहरे की सीजन है दशहरे की सीजन है हाँ उस समय। और इनको मार्केट में जब ले जाएंगे तो देखते ही ये आप 250-300-400 तक रुपए किलो में जाते किलो में जाती हैं। और लोग पूछते हैं कि हमें ये प्रजाति चाहिए इसकी खास इसका स्वाद मैं इसको पिछली बार खा के देखा हूँ नेचुरल बल्कि यही नेचुरल पका था तोड़ के खाया हूँ इसका स्वाद एकदम आप खा जाएंगे सब आम भूल जाएंगे। हमारे यहाँ अरुणिमा ये प्रजाति लगी है आप इसका भी देख रहे होंगे इसमें देख रहे बिल्कुल सेब देखिए ओवल सेब टाइप का है और इसमें भी कलर ये जितनी भी रंगीन प्रजातियाँ इसीलिए इनका नाम ही और ये हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निकाली हुई है और इसमें देखिए कलर अभी सही आने लगा इतना छोटा है देखिए पूरा ये, कलर आने लगा है ये थोड़ा सा ये कि फल इसका छोटा है बहुत बड़ा तो फल नहीं, नहीं है अभी ये साइज बढ़ेगा धीरे धीरे फिर भी लग रहा है कि ये हाँ उसे सेब और थोड़ा गोल्ड टाइप का जी 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 हाँ 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 हल्का हल्का सेब का लुक आ रहा है इसका जी 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 ये अरुणिमा अरुणिमा जी जी अरुणिमा अंबिका दो आपकी बहुत प्रीमियम ब्रांड निकल के हाँ अरुणिमा अरुणिका उषा प्रतिभा जैसे है ये पौधा वो छोटा दिखाई लग रहा है कितने हाँ, साल का पौधा होगा ये आपका 3 साल का पौधा है 3 साल का आपने फल लिए थे इस साल हाँ हाँ 3 साल का 3 साल से ही फल लेना शुरू कर देते हैं और कुछ प्रजातियाँ क्योंकि ये हमारा ये दोबारा लगाए थे तो इस वजह से ये 3 साल के बाकी पौधे हमारे 5 साल के ऊपर हो गए जितने भी बड़े हैं पौधे क्योंकि इसको रीट्रांसप्लांट किया था। पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी लंगड़ा चौंसा और लखनऊ सफ़ेदा इसके अलावा और तमाम तरह की जो पुरानी प्रजातियां हैं उनमें अच्छाई में कोई कमी नहीं है लेकिन वर्तमान समय की मांग को देखते हुए इन प्रजातियों में कुछ कमियां थी कि ये अल्टरनेट बियरिंग वाली थी हर साल नहीं आती थी एक साल आती थी एक साल नहीं आती थी तमाम सारे वैज्ञानिकों ने इम्प्रूवमेंट करके अब ऐसी नई प्रजातियाँ निकाल दी हैं जो हर साल फलत में आती है आम्रपाली है मलिका है इसके अलावा पूसा अरुणिमा है पूसा लालिमा है पूसा प्रतिभा है पूसा मनोहारी है पूसा दीपशिखा है IRI जो कृषि भारत सरकार का कृषि अनुसंधान केंद्र है सबसे बड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वहाँ से जो वैरायटियाँ निकली हैं इसके अलावा जो हमारा एक भारत सरकार का संस्थान लखनऊ में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान वहाँ से भी 2 आम की रंगीन प्रजातियाँ निकली हैं CISH अरुणिका और CISH अंबिका वो भी रंगीन अच्छे कलर की हैं। इनमें क्या है ये सघन बागवानी के लिए बहुत उपयुक्त है मल्लिका हो चाहे आम्रपाली हो ये बाग सामने आम्रपाली का आप देख रहे हैं चाहे जितनी हमने जो नई वैरायटियां नाम लिया है ये नियमित फलन वाली है नंबर एक हर साल फलेंगी नंबर दो बौने आकार की हैं ये कम दूरी पर पहले हम 10 मीटर पर बाग लगाते थे अब इनको हम 5 मीटर से लेकर के और 6x4 मीटर पर तक लगा सकते हैं तो उतने ही क्षेत्रफल में ये 3 गुना से ज़्यादा कभी कभी 4 गुना तक पौधे आ जाते हैं और छोटे आकार के होते हैं तो उनका मैनेजमेंट आसान होता है। तीसरा फायदा ये है कि इन प्रजातियों की कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है 10 से 12 दिन तक 15 दिन तक रख सकते हैं तो निर्यात अगर हमको करना है विदेश भेजना है विदेशी मुद्रा कमानी है जो कि आज की आवश्यकता है उसके लिए ये प्रजातियाँ हमारी बहुत उपयुक्त हैं जो नई आई हैं इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं इनको इनको और ज़्यादा बागवानों को बागवान भाइयों को लगाना चाहिए। दशहरी हमारे अच्छी क्यों यही दिक्कत है कि बहुत लंबे समय तक जाते आते कहिए उसका तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस मामले में दशहरी में हम लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं कि जब तक यहाँ से बम्बई भेजेंगे ट्रक के रास्ते से और हवाई जहाज से भेजना बहुत महंगा पड़ता है उतना अच्छा पैसा नहीं मिल सकता है पोर्ट हमारे पास है नहीं पोर्ट हमारे पास है नहीं यहाँ बम्बई गुजरात वालों को ये फायदा है नेचुरल की वहीं से तुरंत लाद देते हैं और खाड़ी देशों में चला जाता है लेकिन हमारे यहाँ से 4 दिन लगता है बम्बई तक जाने में और उतनी ड्यूरेबिलिटी दशहरी आम की हमारी नहीं है। चौंसा ठीक है चौंसा हमारे लिए जो किसान भाइयों ने लगाया है चौंसे से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं लेकिन चौंसे में वही दिक्कत है कि 1 साल आता है और 1 साल नहीं आता है। अब एक्सपोर्ट के लिए वही जिनमें कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो विदेशों में डिमांड हो जो यूरोपियन कंट्रीज की आम की मांग होती है वो बहुत मीठे आम की नहीं होती है उसमें 2 वैरायटी हमारे पास हैं टामी अटकिन और सेंसेशन ये भी कलर्ड हैं और इनकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है लॉन्ग जुलाई के बाद ये पकती हैं इनको बहुत अच्छा रख करके और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी दक्षिण भारत की प्रजातियाँ हैं हाफूस अल्फांसो वो बहुत अच्छी वो होती हैं बाहर एक्सपोर्ट होती है
तो ऐसी दशहरी के बजाय इन नई प्रजातियों को लगाएं, टामी अटकिन, सेंसेशन या अरुणिका, अंबिका, ये जो नई चली हैं, लालिमा, प्रतिभा, ये इनका भविष्य अच्छा है, ये कीपिंग क्वालिटी अच्छी है और आकर्षक है देखने में। तो नहीं भी निर्यात होता है बाय द वे किसी कारण से, तो हमारे देश में ही अच्छी वो है पॉपुलेशन जहाँ पर इन आम से अच्छा पैसा किसान भाई कमा सकते हैं।